उत्तराखंड में भारी बरसात का रेड अलर्ट, पूरे प्रदेश में भारी बरसात होने की आशंका, लोगों से सावधानी बरतने की अपील है। चमोली में बारिश का शिकार बना जुमा रिवर ब्रिज, पानी के तेज बहाव में बह गया पुल। धारचूला में नजर आया पानी का तेज बहाव का कहर, देखते ही देखते जमीन पानी में समा गया घर। पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा, पहाड़ी इलाकों पर मंडरा रहा है खतरा। पिथौरागढ़ में घरों के नदी में समाने के बाद प्रशासन अलर्ट, 9 घरों को कराया गया खाली। उत्तराखंड में बारिश के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड, धारकोट सड़क पर हुआ भूस्खलन, किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर। पौड़ी में बरसात की वजह से सड़कों पर गिरे बोल्डर्स, जेसीबी की मदद से हटाए गए बोल्डर्स। हरिद्वार में बारिश के बीच दिखा बर्फीला तूफान, तेजी से नीचे उतरते दिखे शेल्फ क्लाउड, वीडियो हुआ वायरल। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया बरसात प्रभावित इलाकों का दौरा, जगह जगह जलजमाव, कई जगह सड़कों को पहुंचा है नुकसान। देहरादून में नया गांव में पानी भरने की वजह से 3 परिवार फंस गए, पुलिस ने रस्सी के सहारे उनको बाहर निकाला। नैनीताल में मानसूनी बरसात से नैनी झील का जलस्तर बढ़ा, झील में देखने को मिल रहा तेज बहाव। हिमाचल में बारिश ने मचाई तबाही, अब तक 76 लोगों की मौत की जानकारी, चंद्रताल में 300 पर्यटकों का रेस्क्यू, 10 अब भी लापता। हिमाचल के चंद्रताल लेक में फंसे पर्यटकों को किया गया एयरलिफ्ट, सभी 7 पर्यटकों को भूतार पहुंचाया गया। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, कुल्लू मंडी और लाहौल स्पीति में हालात का हवाई दौरे के जरिए जायजा लिया, लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। शिमला में बरसात के चलते निर्माणाधीन बिल्डिंग धराशायी हुई है। हिमाचल के सोलन में घरों में पड़ी दरार, प्रशासन ने खाली करवाए मकान, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। मनाली में तबाही का मंजर, कई जगह पुल टूटे, कई जगह घर और सड़कों को नुकसान पहुंचा। मनाली में दिखा बारिश का कहर, बारिश के पानी में बह गई सड़कें, कई जगह हुआ लैंडस्लाइड। पंजाब के लुधियाना में पानी के तेज बहाव के चलते पुल बहा, कई गांव का संपर्क टूटा, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फतेहगढ़ साहिब पानी के सैलाब में डूबा, एनडीआरएफ की टीम चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन, लोगों को राहत शिविरों में भेजा जा रहा है। फिरोजपुर में सतलुज नदी का वाटर लेवल बढ़ा, कई लोगों के घर पानी में समाए। पंजाब के बनूड़ में बारिश के बाद जलभराव, गलियों में भरा पानी, मकानों पर मंडराया खतरा। जालंधर में बाढ़ के पानी का शिकार हुआ ट्रक, ट्रक पानी में पलटा, हादसे में बाल बाल बचा चालक। बाढ़ की मार से हरियाणा त्रस्त, 239 गांवों में बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है, 7 लोगों की मौत की खबर। अंबाला में जलभराव ने बढ़ाई मुसीबत, लोगों के घरों में घुसा पानी, लोग घर में कैद होने को मजबूर। अंबाला में बाढ़ की चपेट में आए कई गांव, लोग ट्रैक्टर की मदद से कर रहे हैं आवाजाही, पानी में तैर कर ला रहे हैं जरूरी सामान। पंचकुला में पानी के तेज बहाव में 3 पुल टूटे, लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी, टेम्पररी पुल बनाकर चला रहे काम। हरियाणा के फतेहाबाद में घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से डर का माहौल है, प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश। पानीपत के खेतों में बाढ़ का पानी घुस गया, फसलें तबाह हुई, गायों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। करनाल में कहर बनकर टूटा बाढ़ का पानी, लोगों के घर पानी में डूबे, सड़कों पर बह रहा है सैलाब। सोनीपत में यमुना का वाटर लेवल बढ़ने से मंडरा रहा खतरा, बाढ़ से निपटने के लिए की जा रही तैयारियां, यमुना के घाट पर किए जा रहे इंतजाम। करनाल में बाढ़ के पानी के बीच लोग फंस गए, लोगों के पास राशन की किल्लत, प्रशासन पर उठे सवाल। यमुना के बढ़ रहे वाटर लेवल ने बढ़ा दी चिंताएं, 207 मीटर के पार पहुंचा वो जलस्तर, जलस्तर बढ़ने का अनुमान और ज्यादा है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से हरियाणा के जगाधारी में गांव डूबा, घर में रखा सामान खराब, लोगों के सामने खाने का संकट। दिल्लीवासियों की बढ़ सकती मुसीबतें, आज भी बरसात होने के आसार। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर पहुंचे यमुना का जलस्तर, आसपास के इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी। दिल्ली में यमुना से सटे इलाकों को खाली करवा दिया गया, फ्लड डिपार्टमेंट के लोगों को मौके पर किया गया तैनात, लोहे वाले पुल को बंद किया गया कल। दिल्ली में यमुना किनारे से 85 लोगों को किया गया है रेस्क्यू, सभी महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने किया यमुना प्रभावित इलाकों का दौरा, बाढ़ पीड़ित को दिया हर संभव मदद का भरोसा। उत्तर प्रदेश में बारिश का कहर, कई जिलों में हुई बारिश, 24 घंटे में बारिश से 2 लोगों की मौत।
बरातियावा में बरसात की वजह से सड़कों पर जलजमाव, अंडरपास में फंसी बसेस, नगर पालिका के कर्मचारियों ने बस को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से डर के साए में लोग खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना नदी। यूपी के बिजनौर में पानी के तेज बहाव में डूबा बच्चा, बच्चे की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन, नदी में नहाते समय हुआ हादसा। बिजनौर में बारिश के चलते जानवरों पर आई आफत, पानी के तेज बहाव में दो हिरण बह गए। जौलान के कई गांवों में बाढ़ आई, खमर तक पानी जो है भर गया है। बाढ़ के अलर्ट को देखते हुए दिशा निर्देश जारी किए गए। मुरादाबाद में बारिश की वजह से अब नाले तूफान पर है, लोगों के घर में घुस रहा है नाले का गंदा पानी, गंदे पानी से लोग परेशान। तो वही मुंबई में नजर आया बरसात का सितम, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने निर्भया स्क्वाड को रवाना किया। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में रेल ट्रैक पर गिरे बोल्डर, दोनों ट्रेनों की आवाजाही बाधित हो गई है, बोल्डर हटाने का काम भी जारी। राजस्थान के राजसमंद में गोमती नदी के बहाव में बहा बाइक सवार, ग्रामीणों ने पानी में कूद कर बचाई उसकी जान। गुजरात के सूरत में पानी में पुल डूब गया, पुल से आवाजाही करने की मनाही। Z News.